हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है A.k Studio YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपनी कई सारी फोटोज को एक साथ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और फॉर्मेट में। तो हमारे पास यहाँ पे फोटोज हैं जो कि टिफ फॉर्मेट में है। आपके पास कोई भी फॉर्मेट की फोटो हो, टिफ में हो या रोम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ टिफ फॉर्मेट की फोटो हैं, हम इन्हें कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि कैसे इसे किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप द्वारा। तो हम यहाँ नीचे अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ये फोटोशॉप 2019 है। आपके पास कोई भी फोटोशॉप का वर्जन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम फाइल्स पर क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट पर जाएंगे। स्क्रिप्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास पहला ऑप्शन आएगा फोटो प्रोसेसर का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ये पहला ऑप्शन कि आप अपना जो भी फोटो प्रोसेस करना है उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम लेफ्ट पर जाकर फोटो को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हमारी टिफ फॉर्मेट की फोटोज हैं। कि दूसरा ऑप्शन कि आपको कन्वर्ट करी हुई फोटो उसी सेम जगह कन्वर्ट करके रखनी है या फिर आपको एक नई जगह देनी है जहाँ पे आप उसे कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं। अगर आपको सेम जगह रखना है तो ऊपर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो जो डिफॉल्ट है। अगर आपको कहीं और उसे दूसरे पास पे आपको सेव करवाना है तो आप नीचे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्मेट में सेव करने के ऑप्शन हैं, जेपैग, फोटोशॉप का PSD और टिफ। टिफ में तो हमारे पास पहले से ही है तो हम अपना जेपैग में कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आ जाता है तो हम क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम उसे फोटोज को रिसाइज द्वारा कर सकते हैं। अगर हम रिसाइज नहीं करना चाहते तो उसे अनटिक कर दीजिए जो कि डिफॉल्ट रहता है। तो हमारे जो भी फोटोज का साइज है उसी साइज में सेम रहने वाली है। और जैसे हम रन पे क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप अपना भी अपना फोटोज को इंपोर्ट करेगा एंड देन एक्सपोर्ट करेगा सिलेक्टेड फॉर्मेट में विद आपकी जो आपने क्वालिटी सेलेक्ट करी है उसके साथ। तो अब यहाँ पे फोटोशॉप को काम करने देते हैं। तो हमारी फोटोज जो होंगे कन्वर्ट हो चुकी हैं सारी। तो हम एक बार अपना फोटो ओपन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जेपैग, और शायद हमारा गलती से टिप भी क्लिक रह गया था तो हमारे पास टिप का भी ऑप्शन आ गया है। टिप में भी द्वारा कन्वर्ट हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप बड़े प्यार से किसी फॉर्मेट को जेपैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।